नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे अप्रेंटिस कोलकाता की तरफ से यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। फाइनली यहाँ पे सभी छात्र का क्वेरी आ रहा था कि कोलकाता का जो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई हुआ है उसका पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कब रिलीज किया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि पे रेलवे अप्रेंटिस कोलकाता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हो, मेरिट लिस्ट आ गया है। अब आपको और ज्यादा इंतजार करने का यहां पे जरूरत नहीं है, तो सीधे लेके चलेंगे इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। और आपको मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है, डीवी में कब जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारा परफॉर्मा कहां से मिलेगा, कैसे करके डॉक्यूमेंट बनाना, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके जरूर जरूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं मेरिट लिस्ट पे, और ये मेरिट लिस्ट आपका रिलीज किया गया है मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से। जी हाँ, सही सुन रहे हो, मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से जो आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था 24-25 सेशन के रिगार्डिंग, फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट जो है जारी कर दिया गया है। और ये अपडेट आपका देख लीजिए 28/3/2024 के डेट में आया है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करना है profitsae.in, वहां पे मेरिट लिस्ट का आपको एक सेक्शन मिलेगा। पर्टिकुलर इस सेक्शन में जाके आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बताया जा रही है आपका नोटिफिकेशन नंबर है, प्रोविजनल लिस्ट, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25। आप लोगों को पता है कि मेट्रो रेलवे कोलकाता का जो यहां पे आवेदन हुआ था वो पार्टिकुलर आपका बाई पोस्ट के द्वारा फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ था। आप लोगों को पता है, अगर आपने भी यहाँ पे आवेदन किया होगा मेट्रो रेलवे कोलकाता का, तो बाई पोस्ट हुआ था, इसमें ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं था, मतलब ऑफलाइन माध्यम से बाई पोस्ट माध्यम से आपका जो लेटर है यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट तक आपको भेजना था। यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, ट्रेड नेम, फादर नेम, कम्युनिटी और आपका DOB का यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे फीटर का दिया गया है, तो फीटर में टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देख लीजिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 98 तक यहां पे फीटर वाले कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है सीरियल नंबर आपका, देखिए 99 से, मतलब फीटर के जो यहां पे टोटल 98 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन से आपका 99 सीरियल नंबर से इलेक्ट्रीशियन का शो हो रहा है, जो आपका यहां पे चलेगा कितना तक देख लीजिए 34 तक। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे 35 कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे वेल्डर का, तो आपका देखिए सीरियल नंबर वेल्डर 35 से शो हो रहा, जो आपका लास्ट यहाँ पे 145 तक वेल्डर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बात करते हैं मैकेनिस्ट का, आपका 146 से लेकर 156 तक आपका मैकेनिस्ट का रहेगा। तो टोटल यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है और यहाँ पे फीटर है। टोटल यहाँ पे चार ही तरह के कैंडिडेट वालों को अपॉर्चुनिटी मौका मिला था, जिसका फाइनल यहाँ पे फर्स्ट राउंड DV का मेरिट लिस्ट है डिपार्टमेंट तरफ से जारी कर दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि DV में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपका DV का डेट अभी आया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मेल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, और नहीं तो हो सकता है कि कॉल लेटर भी आपके घर पर भेजा जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मतलब मेल के माध्यम से भी आएगा या फिर कॉल लेटर आपके घर पर भी भेजा जा सकता है, दोनों के माध्यम से आपको अपडेट किया जा सकता है। सबसे पहला बोला जा रहा कि द डेट ऑफ स्क्रीनिंग विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, मतलब बहुत जल्द आपको DV का डेट यहां पे अनाउंस किया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। उसके बाद बोला जा रहा द कैंडिडेट शुड कीप देम सेल्फ इन विथ दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर दी अपेयरिंग बिफोर दी स्क्रीनिंग कमिटी। तो स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष जाने से पहले यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। पहला में आपका ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे टेक्निकल का भी सारा डॉक्यूमेंट रख लेना है, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ETC। ठीक है, आपका यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI का, आपने ITI जो पास किया उसका मार्कशीट और NCVT का सर्टिफिकेट आपको अपने साथ रख लेना है। उसके बाद ऑल सिविल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ST, SC, OBC जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। क्रीमी लेयर भी होना चाहिए अगर आप OBC से अप्लाई किए होंगे तब। ठीक है,
एज का प्रूफ, एज का प्रूफ में आप टेंथ का मार्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक ऐसा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है एज प्रूफ में जो पर्टिकुलर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीएस कैटेगरी से है तो पीएस का डॉक्यूमेंट लेना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, ये परफॉर्मा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitassi.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हो, मेडिकल परफॉर्मा को। चार कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको चार कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाना है अपना डीबी में। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो पर्टिकुलर यहाँ पे ड्यूली अटेस्टेड करवा लीजिएगा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से होंगे तब, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट क्लेमिंग वेयर ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑफ फिनिश मोनिटोरियर कम्युनिटी डिक्लेरेशन एज एफिडेविट ऑन नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर दैट ही शी बिलोंग टू एनी ऑफ दी माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन लिया है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक जो एग्जामिनेशन फीस विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक एफिडेविट के रिगार्डिंग भी देना होगा। तो जब आपको यहाँ पे डीवी के लिए मेल आएगा तब आप उस मेल में आपको ये परफॉर्मा जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर बस यही सारा डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाना है अपना डीवी में। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर आईसी फॉर द प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है। डीवी डेट आपको सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा, तो रेगुलर अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा, वहीं पे आपको यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग किस डेट में जाना है, कहां जाना है, वो सारा कुछ आपको अपडेट जो है किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अभी बहुत सारे रेलवे के मेरिट लिस्ट आना बाकी है। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो तीन तीन रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा। सबसे पहले आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का 550 पोस्ट पर आया है। दूसरा नंबर में बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का आपका 737 के आसपास इसमें पोस्ट रिलीज किया गया है। और तीसरा नंबर में देखेंगे तो कल के डेट में आपका CLS चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के तरफ से यहां पे CLW का भी आ गया है। और इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल यहां पे 492 के आसपास इसमें पोस्ट जो है रिलीज किया गया है। तो जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।